हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 11 राउंडिंग नंबर्स एंड इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस राउंडिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। ए डेसिमल फ्रैक्शन कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, तो वो राउंड ऑफ हो जाता है नियरेस्ट 1 में, 10th में, 100th में, 1000th में एंड सो ऑन। लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1। 4.3 को आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1। तो वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसके नियरेस्ट आपको डिजिट देखनी होती है इन द राइट हैंड साइड। तो फोर जो है वो आपका वंस प्लेस पर है। तो जब आप उसके राइट में देखेंगे तो उसके राइट में टेंथ प्लेस पर क्या है, 3 है। तो 3 जो है वो आपका 5 से कम है। तो जब आपका 3 5 से कम है तो आप उसमें क्या कर देंगे, जो राउंडिंग प्लेस है उसको एज इट इज़ रहने देंगे एंड राउंडिंग प्लेस के राइट में जितनी भी डिजिट्स हैं उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो राउंड ऑफ होने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4.0। अगला है 2.64। 2.64 में 2 आपका वंस प्लेस पर है और 2 के राइट में जब आप देखेंगे तो टेंथ प्लेस पर क्या है, 6 है। तो जो 6 है वो 5 से बड़ा है। जब 6 आपका 5 से बड़ा है तो आप राउंडिंग प्लेस में क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो 2+1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड राउंडिंग प्लेस के राइट में जितनी भी डिजिट्स हैं उन सभी को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3.00, यानी कि 3। तो 2.64 राउंड ऑफ होने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 3। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10th, 5.68। 5.68 को जब आप नियरेस्ट 10th में राउंड ऑफ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 10th प्लेस पर आप देखेंगे, 10th प्लेस पे क्या है, 6, उसके राइट में क्या है, 8। तो 8 जो है वो आपका 5 से बड़ा है, तो यानी कि आप राउंडिंग प्लेस में क्या ऐड कर देंगे, 1। तो जब आप 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 5.68 को जब आप नियरेस्ट 10th में राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5.70, यानी कि 5.7। और राउंडिंग प्लेस के राइट में जितनी भी डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पे केवल 1 ही डिजिट है तो उसको आप 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो 5.68 राउंड ऑफ होने के बाद आएगा 5.7। अगला है 0.643। 0.643 को आपको नियरेस्ट 10th में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 6 का जो नियरेस्ट डिजिट है राइट हैंड साइड में वो क्या है, 4। तो 4 आपका 100th प्लेस पे है, तो आप उसको देखेंगे, 4 जो है वो 5 से कम है। तो 0.643 को जब आप नियरेस्ट 10th में राउंड ऑफ करेंगे तो आप 10th प्लेस, जो राउंडिंग प्लेस पे डिजिट है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और राउंडिंग प्लेस के राइट में जितनी भी डिजिट्स हैं उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो 0.643 राउंड ऑफ होने के बाद उसका आंसर क्या आएगा, 0.600। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100th, 12.731। तो 12.731 को जब आप नियरेस्ट 100th में राउंड ऑफ करेंगे तो आप क्या देखेंगे, 100th प्लेस, 100th प्लेस क्या है, 3। तो 3 के राइट में देखेंगे, 1000th प्लेस पे वो क्या है, 1, और 1 आपका जो है वो 5 से कम है।
वन जो है वो आपका फाइव से कम है, तो आप क्या कर देंगे, राउंडिंग प्लेस को एज इट इज़ रहने देंगे, और जो आपका राउंडिंग प्लेस के राइट में जितनी भी डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पे केवल एक ही डिजिट है, तो उसको ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे, तो 12.731 राउंड ऑफ होने के बाद क्या आ जाएगा आंसर, 12.730, यानी कि 12.73। अब अगले पे आ जाते हैं 9.745। 9.745 को आपको नियरेस्ट हंड्रेड्थ में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो हंड्रेड्थ प्लेस पे यहाँ पर क्या है, फोर है, और फोर जो है वो आपका फाइव से कम है, तो आप जो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है स्टूडेंट्स, कि जैसे फोर है वो आपका क्या है, हंड्रेड्थ प्लेस पर है, तो वो राउंडिंग प्लेस है, तो उसके राइट में जो डिजिट है वो क्या है, फाइव, तो फाइव जो है वो फाइव के बराबर है, तो उस केस में भी आप राउंडिंग प्लेस में वन ऐड करेंगे, और राउंडिंग प्लेस के राइट में जितनी भी डिजिट्स हैं उनको ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 9.750, यानी कि 9.75। 9.745 को जब आप नियरेस्ट हंड्रेड्थ में राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.75। अब आ जाते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड। इसमें एक नंबर, एक डेसिमल फ्रैक्शन है 8.1587, तो इसको आपको नियरेस्ट थाउजेंड्थ में आपको राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट थाउजेंड्थ में हमें इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ करना है, तो थाउजेंड्थ प्लेस पे आपका क्या है, एट है, और जो एट है वो आपका फाइव से बड़ा है, तो जब आपका एट फाइव से बड़ा है, आप इसमें एट को नहीं देखेंगे, आप उसके राइट हैंड साइड, तो उसके राइट में हम देखेंगे, राइट में क्या है, सेवन है, तो सेवन आपका जो है वो फाइव से बड़ा है, तो जब सेवन आपका फाइव से बड़ा है तो आप क्या कर देंगे, राउंडिंग प्लेस में वन ऐड कर देंगे, तो एट प्लस वन आपका क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, तो 8.1587 राउंड ऑफ होने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 8.1590, यानी कि 8.159। अब अगला है 30.1298, इसमें थाउजेंड्थ प्लेस पे आपका क्या है, नाइन है, और नाइन के राइट में जब आप देखेंगे तो क्या है, एट है, तो एट जो है वो आपका फाइव से बड़ा है, तो आप राउंडिंग प्लेस में क्या ऐड कर देंगे, वन ऐड कर देंगे, नाइन प्लस वन आपका टेन हो जाएगा, यानी कि अब इस प्लेस पे ज़ीरो आ जाएगा राउंड ऑफ होने के बाद, और जो वन है वो कैरी में चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट है टू के साथ, तो टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो यानी कि जो 30.1298 है जब आप उसको राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट थाउजेंड तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30.1300, और राउंडिंग प्लेस के राइट में जितने भी डिजिट्स हैं आप उनको ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30.13 राउंड ऑफ होने के बाद। एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्ज़ाम्पल, एंड इन दिस एग्ज़ाम्पल वी विल सॉल्व राउंड ऑफ 5.7, 33.4 टू द नियरेस्ट वन, 8.5 एंड 7.29, इन दोनों को हम इन दोनों को आप सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 5.7, तो 5.7 को हम किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट वन। 5.7 में जो आपका वंस प्लेस है उस पर क्या है, फाइव है, और आप उसके राइट में देखेंगे तो उसके राइट में क्या है, सेवन है,
तो जो सेवन है दैट इज़ ग्रेटर देन फाइव, जो सेवन है वो फाइव से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, राउंडिंग प्लेस में जो राउंडिंग प्लेस पे डिजिट है वो क्या दे रखी है, फाइव, आप उसमें वन ऐड कर देंगे, तो फाइव में जब आप वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, और राउंडिंग प्लेस के राइट में जितने भी डिजिट्स हैं उनको ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे, तो राउंड ऑफ होने के बाद 5.7 टू द नियरेस्ट वंस क्या आ जाएगा, 6.0। देखिए स्टूडेंट्स, द डिजिट टू द राइट ऑफ द वंस प्लेस, जो डिजिट वंस प्लेस के राइट में दे रखी है इन 5.7 वो क्या है, 7 है, और जो 7 है वो 5 से बड़ा है, देयरफोर 5.7 को जब आप नियरेस्ट वन में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब डिस्कस करेंगे 33.4। 33.4 में 3 आपका जो है वो वंस प्लेस पर है और 4 जो है वो आपका टेंथ प्लेस पर है, तो वंस प्लेस के आप हमेशा राइट में देखेंगे, राइट में जो भी डिजिट होगी, जिस भी प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है उसके राइट में आप देखेंगे, तो उसके राइट में क्या है, 4 है, तो 4 जो है वो आपका 5 से छोटा है, तो 4 जब 5 से छोटा है तो आप राउंडिंग प्लेस पे जो डिजिट है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, और राउंडिंग प्लेस के राइट में जितने भी डिजिट्स हैं उनको ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे, तो 33.4 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट वन तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 33.0, और आप इसको 33 भी बोल सकते हैं। द डिजिट टू द राइट ऑफ द वंस प्लेस इज इन 33.4 इज 4। जो डिजिट आपको वंस प्लेस के राइट में दी गई है इन 33.4 वो क्या है, 4 है, और जो 4 है वो 5 से छोटा है, देयरफोर 33.4 को जब आप नियरेस्ट वंस में राउंड ऑफ करेंगे देन इट बिकम्स 33। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हमें कुछ स्टेप्स डिस्कस करने हैं इस वीडियो में, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि इफ़ द डिजिट ऑन द राइट ऑफ द राउंडिंग प्लेस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 देन ऐड 1 टू द डिजिट एट द राउंडिंग प्लेस, एल्स डू नॉट चेंज द डिजिट एट द राउंडिंग प्लेस। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये बोल रहा है कि अगर आपको जो डिजिट है जो कि राउंडिंग प्लेस पर है उसके आपको राइट में देखना है, और जो राइट में आने वाली डिजिट है अगर वो बड़ी है या फिर फाइव से बड़ी है या फिर 5 के बराबर है, तो आप राउंडिंग प्लेस पे जो डिजिट है उसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। एल्स अगर ऐसा कुछ भी नहीं है देन यू डू नॉट चेंज द डिजिट, आप डिजिट को चेंज नहीं करेंगे एट द राउंडिंग प्लेस, राउंडिंग प्लेस पर। दूसरा, ड्रॉप ऑल डिजिट्स टू द राइट ऑफ द राउंडिंग प्लेस। दूसरा जो स्टेप है वो ये बोल रहा है कि जो भी डिजिट राउंडिंग प्लेस के राइट में है उन सभी को आप क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप का क्या मतलब है कि आप उनको ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे। यस स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप्स मैंने अभी डिस्कस किए थे उन्हीं को हम फॉलो करते हुए आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि 6.23, 7.36, 8.05, 4.98 इसको आपको राउंड ऑफ करना है करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। वन प्लेस ऑफ डेसिमल का क्या मतलब है कि आपको उसे नियरेस्ट टेंथ में राउंड ऑफ करना है। तो कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन है आपको अब किस में उसको राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंथ में। यस स्टूडेंट्स, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है 6.23 इसको आपको नियरेस्ट टेंथ में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो द डिजिट टू द राइट ऑफ द फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल इन 6.23 इज 3।
तो टेंथ प्लेस पर आपका यहाँ पर क्या है, टू है। जब आप इसके राइट में देखेंगे एट द 100th प्लेस, वो आपका क्या है, थ्री है। और जो थ्री है वो फाइव से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, राउंडिंग प्लेस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। और जो 6.23 है वो नियरेस्ट टेंथ में राउंड ऑफ होने के बाद क्या आ जाएगा, आंसर आपका 6.2। अब डिस्कस करते हैं दूसरा एग्जांपल 7.36। द डिजिट टू द राइट ऑफ द फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल इन 7.36। 7.36 में जो डिजिट आपको दे रखी है फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि नियरेस्ट टेंथ में आपको राउंड ऑफ करना है, तो टेंथ प्लेस पर आपका क्या है, थ्री है। आप उसके राइट में देखेंगे, राइट में 100th प्लेस पे क्या है, सिक्स है। और जो सिक्स है वो फाइव से बड़ा है, तो 7.36 को जब आप नियरेस्ट टेंथ में राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7.4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शंस में जो राउंडिंग ऑफ होती है वो इस तरीके से होती है। अब आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करके बताने हैं। 8.05 एंड 4.98, ये दो मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शंस दे दिए हैं। इन दोनों को आपको करेक्ट अप टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि नियरेस्ट टेंथ में आपको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिएगा। अब आ जाते हैं, अब एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आपको 0.347, 397.506 एंड 42.981 को राउंड ऑफ करना है करेक्ट अप टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो कैसे करेंगे कि जैसे मैंने एक डेसिमल फ्रैक्शन ले लिया 0.347, तो इसमें आपको इसे टू प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि 100th प्लेस पे आपको डिजिट देखनी है, बिकॉज आपको नियरेस्ट 100th में अब आपको क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करना है डेसिमल फ्रैक्शन को। तो 100th प्लेस पे क्या है, 4 है। और इसके राइट में क्या है, 7 है। और जो 7 है वो आपका 5 से बड़ा है, तो जब 7 आपका 5 से बड़ा है तो आप क्या ऐड कर देंगे, 100th प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे। तो 4+1 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 0.347 राउंड ऑफ होने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.35। तो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, द डिजिट टू द राइट ऑफ द 100th प्लेस ऑफ डेसिमल इन 0.347 इज 7। और जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो इसीलिए जो 0.347 है जब आप उसको नियरेस्ट 100th में राउंड ऑफ करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 0.35। अगला है 397.506। इसमें आपको 100th प्लेस पर इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 100th प्लेस पे आपका क्या है, 0 है। और आपको 0 के राइट में देखना है 1000th प्लेस पे वो क्या है, 6 है। 6 जो है वो आपका 5 से बड़ा है, तो आपको जो 100th प्लेस है उसमें आपको क्या ऐड करना है, 1 ऐड कर देना है। तो जब आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, राउंड ऑफ होने के बाद 397.51। तो 397.506 को जब आप नियरेस्ट 100th में राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 397.51। इस तरीके से आप नियरेस्ट 100th में राउंड ऑफ करेंगे। अगला है राउंड ऑफ 1.2336
एंड 231.0582, इसको आपको थर्ड डेसिमल प्लेस तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो 1.2336 इसमें थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपको इसे राउंड ऑफ करना है, तो थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल यानी कि आपका जो होता है थाउजेंथ प्लेस, जो थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल है उसको हम बोलते हैं थाउजेंथ प्लेस। यस, जो ये डेसिमल फ्रैक्शन है 1.2336 इसमें थाउजेंथ प्लेस पे आपका क्या है 3 है, तो आप 3 के राइट में देखेंगे तो 3 के राइट में क्या है 6 है, और जब आपका जो 6 है वो 5 से बड़ा हो जाएगा तो 1.2336 राउंड ऑफ होने के बाद आपका आंसर क्या आएगा 1.234। अगला है 231.0582, इसके अंदर थाउजेंथ प्लेस पे आपका क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और 8 के राइट में आप देखेंगे तो वो क्या है 2 है, और 2 जो है वो आपका 5 से कम है, 2 आपका 5 से कम है, तो आप राउंडिंग प्लेस में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और राउंडिंग प्लेस के राइट में जितनी भी डिजिट्स हैं उनको ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे, तो 231.0582 जब आप इसको थर्ड डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 231.058, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेसिमल क्वेश्चंस। जैसे आप क्या करते हो कि कोई डेसिमल फ्रैक्शन है उसको आप किसी होल नंबर से डिवाइड करते हो, तो आपको आपका जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कोई क्वेश्चंट आएगा, तो जो क्वेश्चंट है दैट इज़ ऑल्सो ए डेसिमल फ्रैक्शन, वो भी तो डेसिमल फ्रैक्शन ही आएगा, तो उस क्वेश्चंट को आपको क्या करना है अब राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, और इसको जो क्वेश्चंट है उसको आपको करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक आपको क्या करना है राउंड ऑफ करना है। तो जब आप 3 से 4.072 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 3 वनजा 3, 4 माइनस 3 1, फिर आप क्या लगा देंगे 1 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और नीचे क्या उतार लेंगे 0, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, फिर आप क्या उतार लेंगे 7, क्या हो जाएगा 17, 3 5 जा 15, 17 माइनस 15 क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद आप क्या करेंगे 2 नीचे उतार लेंगे तो आपका नंबर क्या बन जाएगा 22, 3 7 जा 21, 22 माइनस 21 आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चंट आएगा वो क्या आएगा 1.357, तो इसके अंदर आप इसको करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स यानी कि आपको 100th प्लेस जो करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है उसका मतलब है कि आपको नियरेस्ट 100th प्लेस पे आपको इसको क्या करना है राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100th आपको किस चीज़ पे फोकस करना है नियरेस्ट 100th प्लेस पे, तो नियरेस्ट 100th प्लेस आपका इसमें क्या है 5 है, और जब आप 5 के राइट में देखेंगे तो 5 के राइट में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 जो है वो 5 से बड़ा हो जाएगा, तो आप राउंडिंग प्लेस में क्या ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, और राउंडिंग प्लेस के राइट में जितनी भी डिजिट्स हैं उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो क्वेश्चंट को जब आप राउंड ऑफ करेंगे करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स यानी कि नियरेस्ट 100th में तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, तो 1.357 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो आपका आंसर क्या आएगा 1.36। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 11 बी में जो हम पढ़ रहे थे राउंडिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहीं तक थे, आपको ये कॉन्सेप्ट आई थिंक सो समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू।